गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. दिस इज आवर होटल रूम बेसिकली. अभी बहुत गंद पड़ा हुआ है एंड वी आर रेडी फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. सौरभ अभी भी देखिए ऑफिस का काम कर रहा है और अभी करने वाला है एक दो घंटा काम. बट अभी हम नीचे जाके ना इसको ज्यादा ब्रेकफास्ट करना नहीं, ये बोला मैंने सिर्फ कॉफी पीनी है. और ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर करके कह रहा पक गया हूँ. रोज ब्रेड बीन्स एग सब खा के ना बस हो गई है. कितना खाए बंदा हर एक. तो मैंने कहा चल मैं तो खाऊं क्योंकि मैंने तो आज फर्स्ट टाइम खाना है. मतलब नॉट फर्स्ट टाइम, मतलब इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम खाना. हाँ लाइक मैं आई हूँ कल रात को तो फिर हम लोग सोचा कि चलो अभी जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. एटलीस्ट तुम्हें नहीं करना, फिर तुम चाय वगैरह कुछ तो ले सकते हो अगर मन किया. तो अभी हम चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ का टेस्ट कैसा है एंड देन फिर वी आर सेट फॉर द होल डे. आज बहुत सारी चीजें. अरे नहीं अभी कपड़े मेरे अंदर पड़े, मैंने कहा पहले आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर शॉर्ट्स वॉर्ट्स में आते हैं. ये इंसान मुझे बोला कि मैंने ब्रेकफास्ट करूंगा और देखना खुद करने बैठ गया. नहीं कैसा लग रहा है इंग्लिश ब्रेकफास्ट? मुझे क्रूज पे कब लेके जा रहे हो? हॉलीडे पहले स्टार्ट तो होने दे. हॉलीडे स्टार्ट तो हो गई है. वैसे होटल का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है. पब है यहीं पर ही, शाम को ड्रिंक्स करने भी यहीं आना है, सुबह ब्रेकफास्ट भी यही होता है. बहुत ही प्यारा लग रहा है. अभी थोड़ी देर काम करेगा और फिर हम फुल डे सॉरी रूम में वापस आ गए. अब ये काम करेगा, कॉफी भी ले आया साथ में और फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए. जल्दी जल्दी खत्म करो, अब ना ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं थोड़ी देर सुलग गई सोने. फिर उसके बाद हम घूमने निकलेंगे. फुल डे हमारा बाहर रहने वाला है. चलो भाई आज का दिन बाहर निकलते घूमने फिर निकलिए. ओए होए होए होए, लुकिंग सुपर सुपर क्यूट. लिफ्ट तो दबा दो भाई नीचे. हाँ तो भाई प्लान क्या है फिर, कहाँ निकला फर्स्ट डेस्टिनेशन? अभी हम जा रहे हैं थोड़ा एक जा रहे ओशन विलेज, फिर हम सिटी सेंटर जाएंगे. हाँ. और फिर हम आके पूल में बैठेंगे ठंडे. हाँ. ठंडे पानी. ये तो गर्म पूल है यहाँ पर, तो गर्म पूल में बैठ जाएंगे. चलो पूल से मतलब गर्म. हाँ. ठंडा हो, वैसे भी 30 डिग्री टेम्परेचर आज. सब कुछ है, ओल्ड टाउन, वाटरफ्रंट, क्रूज लाइनर्स, आर्ट गैलरीज, सब कुछ है. सोरभ इधर इस सिटी की खासियत क्या है आप जरा बताइए. बहुत ही अमेजिंग सिटी रिचा. एक दिन के अंदर पूरी सिटी घूम जाते हैं, उसके बाद देखने को कुछ नहीं मिलता. चार घंटे में पूरी सिटी मिलते खा लेनी है. हाँ वैसे मैंने देखा है तो छोटी है सिटी बट. हाँ. चलो तो अगर जिसको म्यूजियम का शौक है, चर्च का शौक है तो फिर उनके लिए अच्छी सिटी है. आ रिचा तेरे को बड़े बड़े समुद्र पे ना फ्री का दर्शन दिलाते हैं. देखो इसको समुद्र का फ्री का दर्शन फ्री का ही होता है. चाहते यॉट हायर कर सकते हैं. करेंगे जरूर करेंगे, कराओ मेरे बर्थडे पे हायर करो. लो जी, बर्थडे पे अभी 2 महीने बाद की बात करनी है तो मैं तुम्हें पहले से आइडिया दे रही हूँ ना, तुम मेरे लिए कर लो. ये तो मैं कितनी बार की हुई हूँ, तो कोई अच्छी चीज लाओ, अच्छी चीज लाओ. ये वाला जो है ना यहाँ पे मेरी ऑफिस की पार्टीज होती है. इसी ये पक्की होटल है? अच्छा उसके साथ वाला टेबल हमारा होता है. ओके सही है यार, बढ़िया है तुम्हारा तो. वॉक करते ही वाला अच्छा लग रहा है. हाँ चलो उधर चलते हैं. चले आगे, यहाँ पे भी टैन करना है आज आपने आपको. एक चीज जज की है कि बड़ी छोटी सिटी है. तुमने अब जज की है, मैं तो जिस दिन चाहे तब से बोल रहा हूँ एक घंटे में पूरी सिटी खत्म हो जाती है घूमने फिरने. बेसिकली ये रिलैक्स करने वाली सिटी है. आओ और अपना खाना पीना खाओ, साइड बैठो बस. और जैसे कई मैंने देखा है पीछे फ्लैट वगैरह भी बने हुए हैं, वो मुझे लगता है रिटायरमेंट फ्लैट काइंड ऑफ है. लोग यहाँ पे रहते हैं और लोग रिटायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं. किसी को बड़ी ही काम और पीसफुल लाइफ चाहिए ना तो ये सबसे अच्छी जगह है. और भी बड़ी सारी सिटीज है यहाँ पे ऐसी लाइफ है, बट अप टू यू की कहाँ पे आपको रहना है. बट साउथहैम्पटन इज रियली गुड फॉर वन डे ट्रिप ओनली, नॉट मोर देन दैट.
टू आवर नहीं है एटलीस्ट, वन डे तो लगता है यार। वन आवर टिप नहीं, वन डे। जो चीज गलत है वो गलत है। बड़े क्यूट लग रहे हो। गर्मी लग रही है बट ये अच्छी लग रही है। स्टाइल बन गया। हाँ हाँ, चलिए। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। द शेड्स कैंसिल। नहीं, शेड्स तो तुम ले लो आज। हाँ। कब से बोल रहे। बट ये अगर रेबन नहीं हो या फिर किसी और के लेने पड़ेंगे। और ले लेंगे, ब्रांड कम है क्या? रेबन ही ब्रांड है क्या? तुम भी पिछली बार पसंद नहीं आ रहे थे ना, और अब यहाँ पे आ गया है देखने के लिए कि प्राइस कितना है। यहाँ पे टू बेडरूम, 440 का भी है, 2 bedroom 180 का भी है। उस साइज पे डिपेंड करता होगा, बट आई कैन सी ये वाला जो घर है ना, जो व्यू के साथ है, वो तुम्हारा 440। होटल वाले ने गाने से लगाया कि तुम उनके बाद बाहर बैठ के खाओ पियो, उनको पैसे दो। मेरा भी भूख नहीं, मुझे तो यहीं पर अपनी मस्ती करी जा रही, पार्टी करी जा रही है। और कान भगवानी नहीं है। ठीक है, और अभी खाना खा के आइए। तो इसको खाने का मन नहीं कर रहा है। यही होता है बुफे ब्रेकफास्ट का, ये भी खा लो वो भी खा लो। दोपहर वाली कैलोरी है ना, वो भी मैंने सुबह खा ली है। दो दिन के लिए इट्स अ ब्रेक फ्रॉम डाइटिंग। नहीं भाई, बाद में फिर वेट बढ़ जाता है। अभी 55 हो गया। थैंक यू डियर, थैंक यू। गर्मी में बाहर बैठ गई है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। मैडम जी कोट कुड़ा के बैठी है, मतलब क्या है गर्मी में कोट, मतलब सन टैन हो जाए। पता नहीं फैशन के नाम पे क्या कचरा किया जा रहा है। पर शुक्र करो कि ड्रिंक्स है, लेमनेड है, और ये एप्पल जूस है। हवा चल रही ठंडी ठंडी, वो भी वो तो बीच में आती, बीच में बंद हो जाती है। नहीं बट ठीक है यार, ये कौन सा रोज रोज मिलने को देखने को मिलता है ना। चल आज का दिन कर ले यार, रिलैक्स हूँ यार बिल्कुल। ओए होए होए, काम जैसे आजकल ऑफिस में ज्यादा काम भी नहीं है। ऑफिस में भी तो दिन में 10 बार फोन करते तो मेरे को, हेलो अब मैं क्या करूं, मैं फ्री बैठी हूं ऑफिस में, कोई काम बता दो। मैं पहली बंदी होंगी जो मैं ऑफिस में भी जाके बोलती रहती हूँ कोई काम है तो बता दो, क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं होता ना, मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे होता है कि कुछ करने को हो तो आई विल बी बिजी। मेरे को कीड़ा है अंदर जो ना बैठने नहीं दे रहा। बैठ के मतलब करे भी क्या यार तुम ऑफिस में, कुछ ऐसा नहीं कि मूवी लगा के बैठ जाओ या फिर मूवी मतलब ऑफिस में मूवी मतलब कोई कोई कुछ दे, पिक्चर वगैरह नहीं देख सकते कुछ नहीं। ऑफिस में काम भी नहीं कुछ करने को, तो फिर क्या करे बंदा, कितना बंदा। बस बस ऑफिस का क्लिप नहीं करना, अभी रिलैक्स करना है ना, छोड़ दो ऑफिस की बातें। सिचुएशन ऑफ बीट द हीट। गर्मी यार बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उफ गर्मी बोल के तुम्हें नौरफते की याद आ रही है। यहाँ यहाँ पे ना बहुत हसीन लोग हैं देखने वाले। वैसे हसीन तो है बड़े, मैं भी देखती हूँ। तू क्या देख रही है हसीन लोगों को? मैं क्यों बताऊ? मैं क्यों बताऊ? बात है लड़कियां ज्यादा लड़कियों को चेक करती है, लड़कों से भी ज्यादा। ओ माय गॉड, क्या डाला वो ड्रेस, क्या डाली है, क्या डाली, झूठे एक नंबर के। आई नो यू। आ चुके हैं सिटी सेंटर में, यहाँ की है कार पार्क, और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट के मॉल में, और दो तीन और चीजें तो देखने वाली हैं इसके आसपास ही। चलते पहुंच गए हैं। ये रहा ट्यूडर हाउस एंड गार्डन्स, ये कोई एंशियंट सी बिल्डिंग लग रही है। हाँ सौरभ, खरगोश को दिखाने के लिए क्या है? अंदर जाना है। ऐसी तो हर जगह पिंक बनी होती है। तो तुमने वो सर्च करके रख दिया, तुझे बता रही हूँ। चलो बाबा चलो, तो एडवेंचर करना था ना, बहुत ज्यादा एडवेंचर। एडवेंचर करा रही हूँ ना, जाओ अभी एडवेंचर। की टेंपरेचर में ये चला रही है इसके अंदर, तो यू विल गेट टू नो द हिस्ट्री अबाउट दिस। इसके पैसे हुए ना तो वाइफ पे वापस मुड़ आएंगे, इसके लिए पैसे नहीं दे सकता भाई। ये क्या पुरानी सिकंदर यार, तुम पुरानी हिस्ट्री हो, इंपोर्टेंस नहीं देते हो ऐसे थोड़ा होता है। सॉरी बट दिस चर्च इज नॉट ओपन फॉर विजिटर्स। आई थिंक कुछ तो कंस्ट्रक्शन में भी चल रहा है या तो समथिंग इज देयर। तो हमने टाइम चेक करके नहीं आए थे, तो आई विल मूव टू द ट्यूडर हाउस। अच्छा, जो इतना सरप्राइज दिया था मुझे यहाँ आके, कितना खुश हो रही है, कह रही कि अगली बार से ना हमेशा सरप्राइज दूंगी, कभी नहीं आऊंगी इस सिटी में। नहीं तो आना अगली बार होटल के रूम में, शावर लेना, जिम जाना, स्विमिंग पूल जाना, बस। हाँ तो टावर कहाँ है पहले ये तो बता, ट्यूडर हाउस वाला। सर वो देखो हमारा क्रूज, बड़ा वाला क्रूज, कब लेके जा रहे हो? बहुत जल्दी। झूठे। आ चुके हैं साउथहैम्पटन के सिटी सेंटर में, और सौरभ कह रहा है कि मुझे लेने शेड्स और साथ में कुछ खाएंगे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। एंड वी आर फाइंडिंग कि हमें अगर कैफे नीरो मिल जाए, क्योंकि वहाँ ही कॉफ़ी पियेंगे तो बढ़िया वाला मज़ा आएगा। क्या हुआ, बर्फ खत्म होगी? मैं गर्म कॉफ़ी तो नहीं पी सकता भाई, मैं तो गर्म ही पीऊँगी भाई। मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा चलती हूँ ना, तो मुझे कॉफ़ी या टी चाहिए होती है, तो कोई भी नहीं ऑप्शन है, कोई भी मतलब बर्फ वाली कोई भी चीज़ नहीं ऑप्शन है। नॉर्मल पीना पड़ेगा, वो गर्म है, वो खुद बोल रहे कि वो बाहर पड़ा हुआ था
तो आप पी नहीं पाओगे। फाइनली कहते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, इसको मिल ही गया बर्फ वाला। चलो फिर अब चेयर्स कर लेते हैं, मैं चेयर्स भी नहीं की। Cheers to one more holiday. मैं डिमांड रखी है कि मेरे को टी-शर्ट्स भी लेनी है, क्योंकि उसके पास यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो सारे प्रोफेशनल कपड़े ले आया था, उसको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ और हम घूमने वाले हैं। तो कोई घूमने वाले कपड़े नहीं, टी-शर्ट भी, ये एक ही बची थी। ये तो सिर्फ कोट और यू नो पैंट्स और ये सब लेके आया हुआ था, लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि इसको शॉर्ट्स और ये सब चाहिए, पसीने आ रहे हैं यार। तो अभी हम फटाफट इसके लिए शॉपिंग करते हैं एंड देन फिर हम शाम को स्विमिंग पूल में जाके घुसने वाले हैं, बड़ी गर्मी हो रही है। अभी हम आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए सौरभ के लिए। तो सौरभ कुछ पसंद आया टी-शर्ट्स वगैरह? मैडम जी ये शीशा ना बनाया गया है कपड़े चूज करने के लिए, मेकअप ठीक करने के लिए नहीं। अरे मैं बाहर आ गई थी। क्या लिपस्टिक? तो लिपस्टिक को तो, ओके तो ये हमारा फेवरेट मिरर है सौरभ, बड़ा वाला मिरर कब लेके आ रहे हो? हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन। तो मैं जब तुम लेके नहीं आओगे तब तक पूछती रहूंगी। तो मैंने सौरभ के लिए ये दो टी-शर्ट पसंद किए हैं, मुझे उसकी चॉइस नहीं अच्छी लगी। दिखाओ सौरभ, ये मुझे पक्का पता है आपको अच्छी लगेंगी पहने हुए। अच्छी है, पहन के दिखाओ। खुली लग रही है, ज्यादा खुली है। हाँ, ये मत बोलना पतला हो रहा। हाँ जी, दिस वन इज परफेक्ट, बिल्कुल सही लग रहे हो। सही, बिल्कुल सोनी है, ये ला लो। जी कितनी बार बोला है लड़कों के कपड़े नहीं डालते हैं। नहीं, इस बच्चों के सेक्शन से, अच्छा बच्चों के सेक्शन से लेके आई है, तो स्पॉल सही होगा बच्चों का। बच्चों का आप सबको लो स्टाइल, मतलब अपने तो साथ में ले लेते हैं, बहुत बढ़िया लग रही है। खुश तो हो गया ना बच्चों, किड सेक्शन से आया है। कोई शीशे में शक्ल देखो अभी। दस दे क्या बता उल्टे ये तुम। ओके फाइनली क्या पसंद आई है? पसंद आया कौन सी? ये तो मेरे लिए थी। मैं भी पाले करने हैं। ओ यार, और दिस वन पता नहीं, पहन के देखो तो तुम्हारे फेस में नहीं आ रही, मेरे को जच नहीं देख। बैक टू आवर होटल एंड इट्स अ पूल टाइम नाउ। होटल पहुंच गए, क्विक चेंज, अभी हम जा रहे हैं पूल में। टॉवल दे दिया उन्होंने, साथ में ये बैंड सा दिया है। विलेज जिम है नहीं जी, अच्छा लोकल रूम। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पूल, काफी अच्छा है और साथ में जकूजी भी है। नहा दो के फ्रेश हो गए यार, बहुत ज्यादा मजा आया आज तो। स्विमिंग पूल किया, स्टीम किया, सोना किया, जकूजी किया। मैं ना होटल में 10 दिन से रह रहा हूँ, यहाँ पर एक बार नहीं गया और ये मैडम आई है आते मुझे, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। जब होटल में है लोग स्पेशली बाहर मेंबरशिप लेके होटल में आ रहे हैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तो होटल में। अब तुम ले आई हो तो अब मैं पक्का कल भी जाऊंगा, मजा बड़ा आया यार, फ्रेश हो गया सबसे पहली बात। मेरे को इतनी थकावट हो रही थी ना, मैं ऐसे पूरी फ्रेश हो गई, अब तो मुझे फिर से वापस ले जाओ, मैं फिर घूम के आ जाऊंगी। तो अभी आप प्लान कर रहे हैं कि बाहर जाके कुछ खाते हैं? वैसे तो होटल में भी खा सकते हैं, पर ही पर होटल में मैं बड़ी बार खा चुका हूँ यार। मैंने भी देखा कल मुझे खाना कुछ खास जमा नहीं, वो बर्गर मिल रहा है या फिर वो फ्राइज मिल रहे हैं वो मैं खा, वेजिटेरियन वालों को वही मिलते हैं। तो हम सोच रहे बाहर बुरीटो या फिर कुछ और फलाफल टाइप। तुमने कभी सोचा था तुम्हारा वीकेंड इतना बढ़िया, इतना हंसी हो जाएगा मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम लेके गई कि चलो स्विमिंग पूल में, पहले तुम जा नहीं रहे थे, बाद में तुम निकल नहीं रहे थे, पता नहीं करते क्या हो तुम। बड़ी क्यूट सी शॉप है। हेलो, ये हम दोनों बैठ गए, हम बुरी टोपियां पहन के बैठ गए, मजा तेरी रजाई अंदर टीवी देखेगी थोड़ी देर, और अब आपको मिलता है कल वाले व्लॉग में। मेरे को तो भी काम करना है, मैं बचा रहे बच्चे को, और ये तो अपना रिलैक्स करेगी। सौरभ एंड क्या कहते हैं, ऐसे अपना प्यार देते रहिए।